हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की। हम लोग कंटिन्यूसली इसे 180 क्लासेस तक कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, डेफिनेटली वी विल कंप्लीट इट। तो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 15 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड विंड डे। देखिए, हम लोग विंड का यूज़ करके बहुत सारे एनर्जी को, इसका यूज़ एनर्जी के तौर पे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह से यूज़ करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन इसे और ग्लोबल बनाने की कोशिश की जा रही है और भी इसे जो है एक्सपेंड करने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, ग्लोबल विंड डे जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच यूनियन मिनिस्टर कॉल्स फॉर परमानेंट सॉल्यूशन फॉर फूड सिक्योरिटी एट WTO। देखिए, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नीचे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है कब की गई थी, किस ईयर में की गई थी, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है। नीचे कमेंट करके इसका ज़रूर जवाब दीजिए। तो देखिए, जो मिनिस्ट्रल की मीटिंग थी ना जिनेवा में, इसमें कौन से मिनिस्टर शामिल होने के लिए गए थे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या पीयूष गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, पीयूष गोयल। यहाँ से आप इनकी एक आर्टिकल की फोटो देख सकते हो, पीयूष गोयल पिचेस फॉर परमानेंट सॉल्यूशन फॉर फूड सिक्योरिटी। याद रखिए, पीयूष गोयल कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WTO में जो फूड सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग कहाँ पे अरेंज की गई थी। तो जेनेवा इसका राइट आंसर होगा। तो इन चीज़ों को आप पेन पेपर पे प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चाइना रिस्टार्ट्स वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर इंडियन नेशंस आफ्टर। यानी कि चाइना कितने महीने के बाद फिर से इंडियंस को जो है वीज़ा प्रोवाइड करने की जो है शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो देखिए, 15 मंथ, 19 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये होगा 18 मंथ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स चाइना ने फिर से जो है COVID-19 के बाद से इंडियंस को वीज़ा प्रोवाइड करने की कोशिश, कोशिश क्या, उन्होंने शुरू ही कर दिया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से देख सकते हो 18 मंथ्स उसके बाद जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री इकोनॉमी श्रिंक्स, श्रिंक्स मतलब होता है सिकुड़ जाना, ठीक है, 0.3% इन अप्रैल। अप्रैल में कौन सी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक करी थी 0.3%, यूक्रेन, रसिया, फ्रांस या UK। देखिए, अगर आप सोच रहे हो ना कि यूक्रेन के ऊपर रसिया ने इन्वेजन कर दी तो यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही है, ऐसा नहीं है, जा तो रही है डेफिनेटली, रसिया की भी जा रही है, लेकिन नुकसान यहाँ पे हो गया है यूके का। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वेल्स वगैरह इसमें और 4 कंट्रियाँ शामिल है जो यूके का जो है निर्माण करती है। और यहाँ से आप देख सकते हो यूके इकोनॉमी सिरिंग्स 0.3% इन अप्रैल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर जो है ना, अब ये मलक्का जो स्ट्रीट है इस पे दोनों मिलकर जो है गश्त लगाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। आपको ये बताना है उस कंट्री का नाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया या न्यूजीलैंड। अगर आपको लग रहा है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया हो जाए, क्योंकि ये क्वाड में भी शामिल है, क्वाड आपको पता ही होना चाहिए कि जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है इंडिया के साथ, तो क्वाड कंट्री निर्माण करती है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे इस एरिया में। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, नोट्स के प्राइजेस को नीचे इसे भी सरिंग कर दिया गया है। 499 में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ नोट्स, बहुत सारे कैंडिडेट ने पिछले एग्ज़ाम को क्रैक करा था। मैंने एक वीडियो भी डाल दी है, एक जिन्होंने आर्मी स्कूल में अभी वो सर्विस भी कर रही है, तो 499 में आप नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। यहाँ से मेरी इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी देख लीजिए। वन मोर थिंग, 100 रुपीज़ में आपको जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh, वहाँ से आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर नोट्स एंड अदर थिंग्स। आप जो है जो भी आपके सवाल होंगे वो भी आप यहाँ से मुझे जो है पूछ सकते हो। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेट ए मिनट, जी हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्नान यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बीइंग हेल्ड, यानी कि भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा होगी, स्नान यात्रा, वो कहाँ पे कराई जाएगी, पुरी, हैदराबाद, लखनऊ या पुणे में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा पुरी, यानी कि उड़ीसा में ये कराया जाता है, पुरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और याद रखिए जो डिवोटी जो है ना ये बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ये 2 साल के बाद, ये गैप के बाद हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, कोरोना के बाद से ये हो रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। DTC, देखिए जब भी DTC का नाम आएगा आपको हमेशा याद रखना ये दिल्ली की बात हो रही है। तो देखिए DTC चेंजेस टाइमिंग एंड रूट ऑफ मैत्री, जो बस सर्विस है ना इसकी टाइमिंग को चेंज कर दिया गया। आपको बताना है कि ये कौन से बस के बारे में बात हो रही है, दिल्ली थिम्पू की, दिल्ली काठमांडू की, दिल्ली ढाका की, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ये दिल्ली और काठमांडू की बात हो रही है, दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस की टाइमिंग और रूट को चेंज कर दिया गया है। ये जो है डिपार्ट करेगी, पहले 7 बजे से करती थी, और एक्चुअली ये द बस डिपार्टेड एट 7 PM फ्रॉम दिल्ली गेट टर्मिनल टूडे इन प्लेस ऑफ, पहले 10 बजे करती जाती थी, अब इसे 7 बजे ही कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री टेक्स ओवर एज अ बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस, यानी कि हम लोगों के टूटे हुए चावल को कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा खरीद रही है, USA, जापान, फ्रांस या चाइना। तो देखिए इसका राइट आंसर है चाइना। चाइना हम लोगों से कोरोना के दौरान, पेंडेमिक के दौरान बहुत सारा चावल खरीदा था इन लोगों ने, बिकॉज वहाँ पे बाढ़ की स्थिति थी फर्स्टली, सेकेंडली बिकॉज ऑफ COVID-19 इनकी भी जो है इकोनॉमी बर्बाद हुई थी, चौपट हुई थी। तो फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बस ये बताना है उस कंट्री का नाम जो कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रही है, संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। तो मैं आपको बता दूं अगर आप थोड़ी सी भी होप रख रहे हो कि ये पाकिस्तान है और यहाँ से ये निकल जाएगा तो बिल्कुल गलत हो। देखिए पहले तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने वाला था बट ये हुआ नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो है टेररिस्ट को फंड देते हैं। और देखिए ग्रे लिस्ट में ना शामिल किन लोगों को किया जाता है, किन कंट्रीज़ को किया जाता है, जो कंट्रीज़ जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज है ना उसमें गड़बड़ झाला करती है, ब्लैक मनी को जो है बढ़ावा करती है, प्रमोट देती है, प्रमोट करती है। तो पाकिस्तान इन सारे चीज़ों में नंबर 1 फर्स्ट डिवीज़न से विथ डिस्टिंक्शन पास किया था। तो पाकिस्तान को यहाँ से गेट आउट करने की कोशिश नहीं हो रही है, इसे बोला जा रहा है कि भैया आप FATA के ग्रे लिस्ट में ही रहो। इससे भी बड़ा खतरनाक होता है ब्लैक लिस्ट। अब आप बोलोगे कि ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है, इससे क्या नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान जिंदा है लोन के बदौलत, ये लोन लेकर अपने इकोनॉमी को चला रहे हैं, लोन्स इनको चाहिए होंगे। तो IMF या फिर वर्ल्ड बैंक इनको लोन आसानी से नहीं देंगे, जो ग्रे लिस्ट में होता है उस पर जो है एक्स्ट्रा, बोलते हैं ना कि एक बार कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो हर बार वो चोर की दृष्टि से ही देखा जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है पाकिस्तान को कि ये ग्रे लिस्ट में शामिल है, लोन इसे दिया जाए या नहीं दिया जाए, 2-3 बार इस पर डिबेट होगी, बातें होगी। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री टेक्स सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडियाज सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। तो आपको बस ये बताना है कि भारत जो है सबसे जो बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है सऊदी अरबिया के बाद, वो कौन सी कंट्री है। तो देखिए हम लोग रसिया से बहुत ज़्यादा जो है ऑयल परचेज कर रहे हैं, जिसके कारण रसिया अब हम लोगों का सेकेंड इम्पोर्टर बन चुका है, ये बहुत सारा ऑयल हम लोगों को प्रोवाइड भी कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे अभी भी सऊदी अरेबिया बना हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा PM टू इनॉग्रेट। देखिए PM मोदी जो है जगत गुरु श्री संत जो तुकाराम महाराज है उनकी एक शिला मूर्ति बनाई गई है, शिला मंदिर बनाई गई है, वो कहाँ बनाई गई है आपको ये बताना है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। तो देखिए आपको पता चल चुका होगा महाराज वाले नाम से ना आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो ये कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। और अगर मैं टू बी प्रिसाइज अगर इसे बोल दूँ तो ये पुणे में किया जाएगा, महाराष्ट्र में ही पुणे है वहाँ पे ये किया जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन पेपर पे इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। देखिए कौन सी कंट्री जो है नया G8 बनाना चाहती है, तो देखिए इसका नाम है रसिया, क्योंकि रसिया को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। रिसेंटली इंडिया सेड विच ऑफ द फॉलोइंग दैट यू कैन नॉट फोर्स इंडिया टू साइन एन आर्गूमेंट। तो देखिए WTO को बोला गया कि भैया आप हम पे कुछ भी थोप नहीं कर सकते हो, हम लोगों को जिस एग्रीमेंट में लगेगा कि ये अच्छी है, हम लोगों के कंट्री के लिए फायदेमंद है तो हम लोग साइन करेंगे, अदरवाइज वी विल से नो। रिसेंटली विच कंट्रीज मिनिस्टर सेड दैट इंडिया इज आर ब्लड ब्रदर एंड रिफ्यूज टू क्रिटिसाइज इंडिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। इन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हम लोगों का खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता मतलब हम लोग भाई भाई हैं। तो इंडिया को बांग्लादेश ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, इसलिए हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से बांग्लादेश को थैंक यू। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और भी क्लासेस रेगुलरली आती रहेगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर जो है लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच।